मोमेंटम कंजर्वेशन पे शीट नंबर 28 में क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट, 3 में डाउट, 4, 5, 6, 6 में. ट्रक जिसका मास आपको गिवन है, तो ट्रक का मास यानी कि M1 गिवन है, ट्रेवलिंग एट V1 गिवन है, कोलाइड्स विद अनदर ट्रक, जब भी कोलिजन आ जाए मोमेंटम कंजर्वेशन लगना ही लगना है, M1 U1 M2 U2 M1 V1 M2 V2 लगना ही लगना है. तो कोलाइड विद अनदर ट्रक जिसका मास हाफ है ऑफ कार यानी कि M1 डिवाइडेड बाय 2 है, और मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ क्या गिवन है, V2 गिवन है. ट्रक कपल्स ऑटोमेटिकली, मिल जाते हैं दोनों के दोनों, कॉमन वेलोसिटी बताओ, या तो ट्रक कार को लेके जाएगी या कार ट्रक को लेके जाएगा, कॉमन वेलोसिटी बताओ क्या होगी. कोलिजन से पहले मोमेंटम M1 into V1 प्लस इसका कितना M2 into V2, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ट्रक इज मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो एक राइट और एक लेफ्ट, राइट का मोमेंटम पॉजिटिव तो लेफ्ट का मोमेंटम नेगेटिव, क्या क्लियर है यहां तक. इज इक्वल टू, टक्कर होने के बाद दोनों का मास कंबाइन हो गया एंड दे आर मूविंग विद द कॉमन वेलोसिटी वी. तो M2 को क्या पुट करेंगे, M1 by 2, सॉल्व करके वी कैन बी कैलकुलेटेड आंसर. क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट. 8 में बॉम्ब एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रेगमेंट्स ऑफ इक्वल मास. बॉम्ब के 3 टुकड़े हो रहे हैं, लास्ट टाइम किया था, तो मोमेंटम कंजर्वेशन है. मतलब ये ऐसा नहीं है अब हम क्या करें, टुकड़े हो गए तो भाई सीधा मोमेंटम कंजर्वेशन है, कोलिजन है मोमेंटम कंजर्वेशन है, लगेगा कॉन्सेप्ट, बॉम्ब फट रहा है पक्का मोमेंटम कंजर्वेशन. 3 टुकड़े हैं, 2 फ्रेगमेंट्स राइट एंगल पे हैं और स्पीड ऑफ द थर्ड निकालनी है. तो ये मान लो एम मास है, ये भी एम मास है, इसकी वेलोसिटी 9 है, इसकी वेलोसिटी 12 है, तीसरे फ्रेगमेंट को यहाँ जाना ही जाना है. तो तीसरा फ्रेगमेंट का मास एम है और वेलोसिटी वी है, तो ऑब्वियसली इनका जो वेक्टर सम है वो क्या बनेगा, एम इंटू 12 का स्क्वायर प्लस एम इंटू 9 का स्क्वायर का अंडर रूट, वो इसके इक्वल है. तो यहाँ से भी निकाल लेना, ऐसे ही किया था मोमेंटम कंजर्वेशन कि नेट मोमेंटम एम वी के इक्वल होगा तो नेट मोमेंटम 0 हो जाएगा, और 3 फ्रेगमेंट्स वाला एग्जाम्पल था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट, 9 हो गया, 9th ऑनलाइन हो गया? नो सर. यस कि नो? नो सर. मैन वेइंग 60 केजी, M1 गिवन है, रन्स अलोंग अ रेल विद अ वेलोसिटी ऑफ गिवन, क्या गिवन है, V1 गिवन है, जंप्स इनटू अ कार ऑफ 1 क्विंटल, तो M2 गिवन है 100 केजी, एंड स्टैंडिंग ऑन द रेल्स V2 क्या है, 0. उसके बाद जब मैन जंप करेगा उस कार पे, फिर दोनों इकट्ठे मूव करेंगे, उस इकट्ठे की वेलोसिटी बताओ. तो जब भी देखो, ये हमने केस नहीं किया अभी, कह सकते हो ये नेक्स्ट एग्जांपल है जो मैंने शीट में नोट नहीं किया था जंप वाला. तो जब भी कोई मैन खड़ी हुई ट्रॉली पे जंप करेगा तो मोमेंटम कंजर्व होगा उसमें भी, क्योंकि एक तरीके की कोलिजन मानी जाती है ये भी, तो कोलाइड हो गए इकट्ठे चल पड़े, दे मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी, बिल्कुल कोलिजन वाला सेम केस है. मान लो एक बॉल की जगह मैन है और दूसरी बॉल की जगह ट्रॉली या कार है, इकट्ठे हो गए चल पड़े, तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, M1 into V1, इनिशियल कार का मोमेंटम क्या है, 0, फिर इकट्ठे चल पड़े M1 प्लस M2 विद अ कॉमन वेलोसिटी V, तो यहां से V की वैल्यू आ जाएगी डन. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? नो सर. ठीक है, हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये मशीन गन वाली एग्जांपल है. इसको करने के लिए मैं अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर में यही एग्जांपल करवाऊंगा कि जब बुलेट्स निकलती हैं गन में से उस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो इसका आंसर भी मिलेगा अभी और एक दो क्वेश्चन का आंसर साथ ही मिलेगा. ठीक, तो स्टार्ट करते हैं.